मेरे राय में जिंदगी एक खिलता हुआ फूल है, एक भरती हुई नदी है और एक मुस्कुराता हुआ पहाड़ है। जैसे नदी शांत भाव से बहती रहती है, वैसे ही हमारे जीवन के अंदर संघर्ष, हमारी यात्रा उस नदी की तरह शांत भाव से बहती रहे तो जीवन के सुख में अनंत अनंत प्राप्ति होती है। नमस्कार, पत्रिका.com में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र तिवारी। जिंदगी क्या है मैं आज हमारे साथ हैं रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेजा जी। ये वो शख्सियत है जिसे आप राजनीतिक भी कह सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग इनको एक टीचर, एक मास्टर के तौर पर देखते हैं। ऐसा मास्टर जो एक संस्था के जरिए ऐसे बच्चों की मदद कर रहा है जिसको बहुत ज्यादा जरूरत कोचिंग की है और उनके पास पैसे भी नहीं है। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि इनकी चलने वाली कोचिंग में आज की तारीख में करीब 4 से 5 हजार बच्चे पढ़ते हैं और सारे बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। और ये कोचिंग प्रतियोगी परीक्षाओं की है, रेलवे से लेकर SSC, PSC और बाकी सारी परीक्षाएं करा रही है। आइए आज हम उनसे जानते हैं कि उनकी जिंदगी क्या है, वो जिंदगी के मायने क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, वो जिंदगी को कैसे देखते हैं। तो दादा, आप जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं? आज तक आप जब इस उम्र के पड़ाव में आ गए हैं तो जिंदगी क्या है आपकी नजर? देखिए, मैं जिंदगी को एक मशाल की तरह देखता हूँ जो प्रकाश दे चारों ओर। तो कई बार ऐसी इच्छा होती है कि इस मशाल को दोनों तरफ से एक साथ जला दिया जाए ताकि इतना प्रकाश हो कि सब जगमगाने लगे। छोटा पीरियड हो जाएगा जीवन का, लेकिन प्रकाश का रास्ता तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने अपने जीवन की शुरुआत एक युवा के माध्यम से की। 1977 के अंदर मैंने एक संस्था बनाई कि बच्चों को निशुल्क बैंक, रेलवे की नौकरी के लिए कोचिंग दी जाए। प्रारंभ में शुरू दिन वह है 19 जून 1977 की बात है। जब क्लास की शुरुआत मैंने की तो उसमें 4 बच्चे आए। बमुश्किल हमने प्रयास करके उस संख्या को बढ़ाया और निरंतर हमारा प्रयास चलता रहा। तो जब सफलताएं मिलने लगी तो आज हमारी संस्था 200 सेंटर पे काम करती है और 1 लाख से ज्यादा बच्चे हमारी कक्षाओं से पढ़कर आज बैंक, रेलवे में लग चुके हैं। इस 19 जून को हमारी संस्था को 40 साल हो जाएंगे। इस युवा के अनुभव से मैं महसूस करता हूं कि जो एक अवधारणा इस युग में बनी है, जिसे हम बोलते हैं आर्थिक युग, कि जो निशुल्क होता है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता और जो जितना शुल्क लेता है वो उतना लाभप्रद होता है, हमने इस अवधारणा को तोड़ा। हमने शिक्षा के व्यापार को एक चुनौती दी। प्रोफेशनल लोग जो कोचिंग के नाम पे 15 से 20 हजार रुपए महीने लेते हैं, हमने उनके सामने एक निःशुल्क क्लास का आयोजन करके उनसे बेहतर परिणाम दिया। और आज हमें कहते गर्व है कि हमने ऐसे हजारों नौजवान तैयार कर दिए। इस युग में जहां शिक्षा का व्यापार हो गया, वो लोग आज हजारों की संख्या में कई जगह निःशुल्क कक्षा लगाकर बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसी दौरान में मेरी बैंक की नौकरी भी थी। मैं भारतीय स्टेट बैंक के अंदर सर्विस करता था क्लर्क के रूप में। 1999 की बात है, मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार सरकार ने तय किया कि जो जो नगर निगम है वहां महापौर का चुनाव डायरेक्ट वोट से कराया जाए। मेरे साथी जो मेरे साथ काम करते थे, उन्होंने मुझे कहा कि दादा, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, ये अपने बस की बात नहीं है। फिर उन्होंने मुझे वही कहा कि दादा, तो आप भी बुद्धिजीवी जैसे हो गए कि जो आलोचना करते नहीं सकते, लेकिन जब अवसर आता है तो आप भाग रहे हो। और मुझे कई प्रकार से मेरे बच्चों ने, मेरे साथियों ने इस तरह से मुझे उलेना दी और आखिर में मैंने निर्णय लिया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। महापौर का निर्दलीय चुनाव लड़ा और 2 महीने पहले मैंने नौकरी छोड़ी। और जब निर्दलीय चुनाव में मैं खड़ा हुआ तो मुझे अप्रत्याशित परिणाम मिले और मैं निर्दलीय महापौर के रूप में विजयी रहा। तो वहां से मेरा राजनीतिक करियर शुरू हो गया। महापौर के कार्यकाल के बाद 2009 से लेकर 2013 तक मैं निर्दलीय विधायक के रूप में रतलाम से पुनः चयनित हुआ और मैंने अपने राजनीतिक करियर को इस मुकाम से आगे बढ़ाया। मेरा अपना मानना है कि बुद्धिजीवियों को राजनीति मानना चाहिए। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि दादा, राजनीति में कैसा लगता है? तो मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है। ये जो लोग राजनीति की बुराई करते हैं कि इसमें बेईमानी है, गुंडे हैं, बदमाश है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बहुत ही सुंदर करियर होता है राजनीति का
और आपके जीवन के कई सपने आप इसके माध्यम से बड़ी आसानी से पूरे कर सकते हो, जो चाहते हो कर सकते हो, जो सपना आपने देखा है समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के भले के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, बेरोजगारों के लिए, आप उस सपने को आसानी से पूरा कर सकते हो। और मैंने राजनीतिक करियर को बड़ा अच्छा एंजॉय किया, बहुत ईमानदारी से इसमें काम किया और बहुत अच्छा एंजॉय किया। जब मैं विधायक के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा में 2009 में पहुंचा तो मैंने सबसे पहले जो मुद्दा उठाया था वह व्यापम की पीएमटी परीक्षा में होने वाले घोटालों को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध पर और मेरी मांग पर नवंबर 2011 में एक कमेटी बनाई व्यापम की पीएमटी परीक्षाओं की जांच के लिए। और उसके बाद जब बात आगे बढ़ी तो लगातार घोटाले होते रहे, तो मेरी मांग पर फिर 2008 से लेकर 2011 की कमेटी बनी, फिर उसके बाद 2006, 2007 और 2012 के लिए अलग से कमेटी मिली। तो यह हुआ कि मेरे इस संघर्ष के कारण 2006 से लेकर 2012 की व्यापम की जांच हुई, उसमें 410 लोग फर्जी पाए गए और वो कॉलेज से निकाल दिया गया। ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता थी और मुझे अच्छा लगा कि मैंने एक सही काम किया है और निश्चय ही मुझे इससे बहुत खुशी हुई। इसी बीच मैंने एक ड्रग ट्रायल का मुद्दा और एक सरोगेटेड मदर का मुद्दा विधानसभा के अंदर उठाया। दोनों मुद्दे देश में पहली बार अच्छी तरीके से उठे और आज कहते हैं खुशी है कि दोनों मुद्दों पर केंद्र सरकार ने मेरे उठाने के बाद इस पर नीतिगत निर्णय लिए और इस पर कानून बनाए कि किस तरह से ड्रग ट्रायल्स देश में होगा और जो कोख देने वाली महिलाएं हैं, जो टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहे हैं, उनके लिए कौन एलिजिबल होगा कौन एलिजिबल नहीं होगा। तो मैं सोचता हूं कि मुझे ये लगा कि वास्तव में ये मैंने एक बहुत ही अच्छे मुद्दे को उठाया। आज व्यापक की लड़ाई लड़ते लड़ते मुझे 2002 से लेकर आज तक 8 साल हुए। मैं हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, अभी भी चल रही है लड़ाई मेरी। दो दो तीन तीन प्रकरण हाईकोर्ट में चल रहे हैं, 2 प्रकरण मेरे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। सड़कों पर लड़ा, मैंने जुलूस निकाले, मैंने सब किया और जीवन के इस मोड़ के अंदर निरंतर मैं युवाओं से जुड़ा रहा। मैं कहीं भी रहा, जहां भी रहा, जिस पद पे भी रहा, जिस जिम्मेदारी में रहा, अगर वहां युवाओं की कक्षा उस शहर में लगती है, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया कि युवाओं के 200 सेंटर हैं, कई शहरों में क्लास लगती है, बॉम्बे में लगती है, दिल्ली में भी लगती है, तो मैं जब भी जहां रहता हूं मैं कक्षा में पढ़ाता हूं। और मैंने विधायक कार्यकाल में भी कम से कम 4 घंटे रोज कक्षा को पढ़ाया और मैं गणित का एक बहुत अच्छे अध्यापक के रूप में जाना जाता हूं और गणित की शार्टिक्स को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। और आज कई हिंदी भाषी प्रदेश में मैं गणित की जिस शार्टिक को डेवलप करता हूं वहां उसको दादा की गणित के नाम से बताते हैं और लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो जीवन के इस बहुमूल्य दौर में मैंने जो जिम्मेदारी का निर्वाह व्यापम के रूप में, विधायक के रूप में, महापौर के रूप में और युवाओं के रूप में किया, तो लगता है कि जीवन बहुत ही सुंदर है, एक खिले हुए फूल की तरह है जिसमें चारों ओर एक अच्छा सी खुशबू, सुंदर सी खुशबू प्रवाहित होती रहती है। और वह खुशबू किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, वह उन सारे लोगों के लिए होती है जो जीवन की उस सुंदरता को उतने ही तरीके से देखकर बाग और बगीचे में घुमा करते हैं। मैं लगता है मेरा आपसे भी अनुरोध है कि जीवन के इस मोड़ में आप कभी भी अपने आप को छोटा ना समझें, एक जंग शुरू रखें, चाहे दूसरे से चाहे अपने आप से। और जब आप इस जंग में उतरेंगे तो आप पाएंगे कि जंग से जिस उत्पत्ति, जिस परिणाम की होती है, वो परिणाम आपको इतना सुख देगा कि लगेगा कि वास्तव में जीवन एक सुनहरे पल की तरह है। और आप सभी ऐसे जिए जैसे मशाल को एक साथ दोनों तरफ से जला दिया गया हो और ऐसे भगक कर जिए कि जिंदगी का आपका प्रकाश चारों ओर के अंधकार को दूर कर ले। दादा बड़ा सवाल है कि जब आप बैंक क्लर्क थे, बैंक क्लर्क से विधायक बनने तक और उसके बाद आज व्यापम के विसल ब्लोअर बनने तक, जिंदगी को अगर 2 लाइनों में कहें तो क्या है? देखिए मैं इन सारे जीवन के इस परिवर्तन के अंदर, तो मैं अगर जीवन को अपन 2 रूप में कहें तो मेरा अपना यह मानना है कि जितने शांत भाव से हम अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं उतना जीवन के अंदर सुख और आनंद की बात आती है। पर एक हमेशा मैं यह महसूस करता हूं कि लक्ष्य की प्राप्ति में मनोभावों पे पूरा अंकुश रखना पड़ता है।
हम न तो अधिक उत्साहित हो अपने कार्य के प्रति, न निराशा रखे। एक जैसे नदी शांत भाव से बहती रहती है, वैसे ही हमारे जीवन के अंदर संघर्ष, हमारी यात्रा उस नदी की तरह शांत भाव से बहती रहे तो जीवन के सुख में अनंत अनंत प्राप्ति होती है। युवाम शुरू करने का विचार कब आया, कैसे आया? देखिए, युवाम का विचार, मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से रहा। जब मेरी बैंक में नौकरी लग गई तो मैंने महसूस किया कि मेरी योग्यता के अनुसार मुझे पद नहीं मिला। मैं इससे बड़ा पद पा सकता था, इससे बड़ी जगह जा सकता था, लेकिन परिवार की स्थिति और जिम्मेदारी को देखते मुझे वहां कंप्रोमाइज करना पड़ा। तो मैंने यह प्रण किया कि जो मेरे साथी है मध्यम वर्गीय परिवार के, गरीब परिवार के, वे योग्य होने के बाद भी अपनी योग्यता के अनुसार पद नहीं पा सकते, उन लोगों के लिए ऐसा मंच बनाया जाए जहां वे अपनी योग्यता के अनुसार अच्छे पद को पा सके। और इसी बात को सोचकर मैंने युवान की स्थापना की। मेरा एक अनुभव तो बड़ा विचित्र है कि लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत मतलबी हो गई, स्वार्थी हो गई। ठीक है, एक एंगल से देखे तो सही है, लेकिन एक दूसरे कोण से भी देखे कि कितने सुंदर सुंदर यहां पर लोग हैं, फूल की तरह खिले हुए ये नौजवान बच्चे। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं निःशुल्क, और वही बच्चे जब पढ़कर नौकरी प्राप्त करते हैं, तो बिना कहे वह उन स्थानों पर उसी प्रकार से निःशुल्क कक्षा आयोजित करके सैकड़ों लोगों को नौकरी लगवा रहे हैं। तो मैंने महसूस किया कि व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता, हम उसके अंदर कौन सा बीज रोपण कर रहे हैं उससे उस व्यक्ति का निर्माण होता है। मेरे अपने जीवन का यह अनुभव भी रहा कि सारा समाज, धर्मगुरु, किताबें, साहित्य, संस्कृति इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि हमारे नौजवान को हम समाज के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति सहिष्णु बनाएं। लेकिन मेरा अनुभव है कि भाषण से उनको नहीं बनाया जा सकता, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके साथ उनकी आवश्यकता को महसूस करते हुए अगर हम संघर्ष करें और उनके साथ ही बने उस संघर्ष में, तो निश्चय ही हम जो चाहते हैं नौजवानों का ऐसा निर्माण होता। हमारे युवाओं का एक मेन मोटो है युवा सृजन राष्ट्र निर्माण, और हम साथ यह भी मानते हैं, हमारी स्पष्ट धारणा है, जब तक हम युवाओं को जीवन के इस मोड़ पर एक सही दिशा नहीं देंगे, हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा और हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे।